नगर निगम शिमला के अंतर्गत आने वाले सांगटी वार्ड के जाखा में नवनिर्मित मार्ग के निर्माण का कार्य स्थानीय पार्षद मीरा शर्मा ने जायजा लिया। उन्होंने कहा कि लोग लंबे समय से इस मार्ग को बनाने की मांग कर रहे थे। इस मार्ग को बनाने के बाद स्थानीय लोगों को सहूलियत होगी। नगर निगम शिमला की परिधि के अंतर्गत आने वाले सांगटी वार्ड के जाखा में पाठशाला के समीप एम्बुलेंस मार्ग का कार्य प्रगति पर है। इस मार्ग का जायजा लेने स्वयं स्थानीय पार्षद मीरा शर्मा यहां पहुंची और निर्माण कार्य का जायजा लिया। बता दें कि ये मार्ग धोबी घाट से जाखा क्षेत्र को जोड़ेगा। इस मौके पर स्थानीय पार्षद मीरा शर्मा ने कहा कि इस मार्ग का निर्माण 25 लाख रुपए की लागत से हो रहा है और लोगों को सहूलियत मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस मार्ग के निर्माण का कार्य काफी समय से लंबित पड़ा था, लेकिन अब ये मार्ग बनकर जल्द ही तैयार हो जाएगा और लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। ये हमने धोबी घाट से जाखा, जाखा से नवभार, ये पूरा क्षेत्र हमने इसमें जोड़ने का हमारी योजना है। इस रोड के जुड़ने से आप देखिए कि इधर से 5 मिनट में आप सेक्रेटेरिएट पहुंच जाते हैं सीधा, नहीं तो हमको पूरा नीचे से तो कोई कनेक्टिविटी खैर बीच में थी नहीं, तो ये पूरा रोड इधर शनान, धोबी घाट, नवभार, जाखा होता हुआ इधर भट्टा कुफर को भी जुड़ा, मल्याना को भी जुड़ा और सेक्रेटेरिएट छोटा शिमला को भी जुड़ा। तो इससे मैं समझती हूँ हज़ारों हज़ार लोगों को फ़ायदा होने वाला है भविष्य में। और अभी लगभग 25 लाख की लागत से ने इसमें काम शुरू किया है। अभी फ्यूचर में भी हम इसमें और कोशिश करेंगे जहाँ जहाँ से भी और इसमें आर्थिक प्लान डाल सकेंगे और पैसा, तो हम इसको पूरा करने का इसका हमारा लक्ष्य है। वहीं जब लोगों से इस बारे में बात की गई तो लोगों का कहना है कि आपातकाल की स्थिति में मरीज को अस्पताल ले जाने में पहले काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस मार्ग निर्माण के बाद अब जहां मरीजों को सहूलियत मिलेगी वहीं लोगों को सचिवालय और आसपास के क्षेत्रों में जाने के लिए आसानी होगी। एम्बुलेंस के बनने से यहाँ पर कम से कम 250 लोग रहते हैं जो यहाँ नीचे नीचे ही रहते हैं। नौ बाहर में तो ऊपर जो है रोड बना हुआ, लोअर नौ बार में जो है रोड नहीं है बना हुआ, बड़ी दिक्कत आ रही है यहाँ पर। हमारे को तो इससे बहुत फायदा मिलेगा, इससे लाभ से हमारा सारा सामान यहाँ पहुँचेगा घर पर। आपातकाल स्थिति में, बीमारी की स्थिति में कितना? बीमारी की स्थिति में तो बहुत कामयाब है हमारे लिए ना ये रोड, ये एम्बुलेंस रोड। बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी हमारे को। यहाँ से जो मरीज हम कंधे पर ले जाते थे सड़क तक, वो अब डायरेक्ट यहाँ से गाड़ी में जाएगा। और इसमें कोई 1.5 हज़ार आदमी रहते हैं जो यहाँ पर इसमें लोअर नौ भार में, उनको सबको फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।